इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, ईद मुबारक, शुक्रिया। और आज ईद के मौके पे आपको पता ही है ईद पे स्पेशल गिफ्ट क्या हो सकता है, ईद का चांद निकलेगा आज। बिल्कुल, आज ईद का चांद यहीं पे निकलेगा। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करना चाहूंगा बॉक्स ऑफिस की जान, बॉलीवुड के सुल्तान मिस्टर सलमान खान। यही दिखा दें क्या सुल्तान जी? अच्छा मैं आपको पहले बता दूं कि पहले आप ही आ जाओ, हम बाद में कर लेते थे। वो कह रही है रियली, हमने कहा झूठ मूठ बोल रही हो यार। कुछ भी हो, जहां में धूम है हल्ला है अपने सलमान का, ये कोहिनूर नगीना है हिंदुस्तान का। अकबर सा रुतबा हो और सिकंदर जैसा विजेता है, जो शहंशाहों से भी बढ़कर जलवा है इस सुल्तान का। भैया आप तो आज काफी कैजुअल, मतलब जैकेट वैकेट में आए, आप स्मार्ट लग रहे हैं जी। इनको ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे लंगोट में एंट्री मारूं। नहीं, मुझे लगा शायद ईद है, सलमान भाई पठानी सूट में बेटा आज तेरी बोलती बनने वाली है। टीआरपी रेटिंग, टीआरपी रेटिंग बढ़ाने की कि वहां से सुल्तान लंगोट में चल के आ रहा है। भाई सबसे पहले तो आपको सुल्तान के लिए बहुत बहुत बधाई, चाहे सुल्तान के लिए बधाई कह लो, चाहे ईद के लिए बधाई कह लो, क्योंकि ईद आती है तो इनकी फिल्म आती है, इनकी फिल्म आती है तो सबके लिए ईद हो जाती है। सो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सलमान भाई कम से कम 103 फिल्में कर चुके हैं, जिनमें 40 से ज्यादा एक्ट्रेसेस इनके साथ काम कर चुकी हैं। इनकी तकरीबन सारी फिल्में 200-200 करोड़ से ज्यादा बिजनेस करती हैं, बल्कि किक और बजरंगी भाई जाने तो 350 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया। भाई आपको हमारे हालात पता है, हमारे साथ क्या हुआ, कितना खर्चा हो गया, हमारी जिंदगी कलरलेस हो गई थी। आप गिफ्ट ले आते कोई हमारे लिए, बड़ा बदमाश है। अच्छी बात है भाई, सोने लग रहे हैं। तो सोनी में, सोनी में और सोना हो गया। तो भाई कुछ कैश वैश इससे ले आते, मतलब ईद है, ईदी ईदी ले आते हमारे लिए। एक फिल्म ऑफर लाया हूं आपके लिए। क्या बात कर रहे हैं आप, रियली? कितनी हीरोइन है टोटल उसमें? तीन आ रही है। तीन तीन हीरोइन, एक तो आपकी होगी, एक मेरी होगी, तीसरी किसके लिए? तीनों ही मेरी है। मेरा मतलब बीच में क्या रोल है? विलेन का रोल है। चलो विलेन के लिए आइटम डांस तो एक आध होगा ही है, लेकिन वो आप नहीं करोगे, किसी और से करवाएंगे। नहीं, विलेन तो आप खुद करेगा भी नहीं, कोई लड़की करेगी ना आगे। लड़के से करवाएंगे, सारी एड्रेस या मिनी कुछ भाई प्लीज बना के। बी ह्यूमन, आप ऐसा करोगे हमारे साथ? मतलब यहाँ पर आप क्या करते हो? हमारा तो बजट कम होता है ना। सेम तो यहाँ पे चल रहा है, आदमियों को औरतों के कपड़े पहना पहना के औरत बना रहे हैं। उनके बच्चे भी स्कूल में जाकर कहते हैं हमारी दो दो माएँ, एक घर पे एक इधर बनती है। आपको पता है सलमान भाई जब शर्ट उतारते हैं लड़कियाँ वैसे पागल हो जाती हैं। अच्छा इनकी बॉडी है, ये उतार भी सकते हैं। ये पांडे नहीं हमारा ड्रम वाला भाजी? अच्छा एक दिन इसने शर्ट उतारी, पता नहीं चले ड्रम कौन है पांडे कौन है। पर अच्छा इस फिल्म में तो भाई आपने पैंट भी मतलब उतारी दी, तो ये स्क्रिप्ट की डिमांड थी कि फीमेल फैंस की? डिमांड तो स्क्रिप्ट की ही थी। अच्छा, और आई थिंक फीमेल फैंस से ज्यादा मेल फैंस इसको अप्रिशिएट ज्यादा कर रहे हैं। अच्छा समझ में नहीं आ रहा। सलमान यू लुकिंग सुपर्ब इन अ लंगोट। भाई क्या लग रहा है लंगोट का? और आके तुम क्या हो गया है तुमको यार? अच्छे भले तो थे भाई। उल्टा जमाना आ गया। सलमान भाई ने पिछले समय हमें बताया था कि एक बार इन्होंने फॉरेन कहीं शो करने गए तो ये शॉर्ट्स में एंट्री ले गए थे, तो सलीम साहब ने बहुत डांटा इनके पिताजी तो, ने तो वहां पर किसी ने कह दिया था कि मैं अंडरवेयर में डांस कर रहा हूँ। और ये जो स्टेप था ना, ये वाला ये जीने के चार दिन वाला, वही स्टेप था। अच्छा
तो वहां से पता नहीं किसने डैड को फोन करके बोल दिया, वल्गर 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 वल्गर। तो बहुत भड़के थे, अब खुश हैं। तो अभी पूरा लंगोट मतलब पहन के सारी फिल्म करी, अभी नहीं कुछ कहा उन्होंने? नहीं नहीं, बोला कि आप अपनी पैंट उतारो, देखो कि प्रोड्यूसर के पैंट कभी उतरे नहीं। अच्छी बात है। अरे सलमान भाई ने जो फिल्म में लंगोट पहना, वो कोई आम लंगोट नहीं है, मतलब वो डिजाइनर लंगोट है। मैं ऐसी क्यूरियोसिटी थी भाई कि जैसे आपकी फिल्मों में लंगोट में एक चोर पॉकेट भी है। मैं पहलवान से कौन क्या चोरी करके लेके आ गया। तो नहीं भाई, उसमें भी कोई होता है आपकी टीम की तरफ से कि सलमान का लंगोट है, इट शुड लुक लाइक क्लासी, गोटे जरी का काम हो? किसके करे जरी गोटे का काम? ऐसे पूछ रहा हूँ भाई कि क्या होता है ऐसे कि नहीं? अच्छा आपको पता है जब भी जैसे सलमान खान सेट पे होते हैं तो भाग भाग के आते हैं डिजाइनर्स, सर ये कैन वी प्लीज ट्राई दिस जैकेट, जैकेट ट्राई कराते हैं, ये खाली ऐसे बाजू डालते हैं, अच्छी है, टाइट खोल दो, इसको खोल दो, टाइट है या जो भी है। तो भाई लंगोट जो होता है वो मतलब वो तो आप मतलब खुद ही ट्राई खुद ट्राई करना पड़ता है, और फिटिंग को भी एक्सप्लेन करनी पड़ती है भाई, ये इसमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ से लूज है, यहाँ से थोड़ी सी टाइट है। अच्छा एक्चुअली हाँ, ये छोटी सी कर दो या इसको थोड़ी बड़ी कर दो, वो आपके ऊपर चॉइस है। पर हाँ एक्चुअली जैकेट से तो आप बता सकते हो ना कि यहाँ से टाइट है, यहाँ से खोल दो, यहाँ से लूज है, यहाँ से। लंगोट का क्या डिस्क्रिप्शन दोगे? अच्छा सलमान भाई, आपकी फिल्म में एक डायलॉग है कि लड़की इंग्लिश बोलने से जल्दी पट जाती है, आई लव यू बोलो और नेक्स्ट टाइम किस, तो ये मतलब ये डायलॉग आपको दिया गया था कि आपका निजी तजुर्बा है? सोचने दो यार, बहुत टाइम हो गया। जब आपको पता है हम लोग पर्दे पे जब फिल्म देख के एंजॉय करते हैं उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, इतने सालों से सलमान भाई बॉक्स ऑफिस राज कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सुल्तान में इन्होंने 40s का दिखने के लिए वजन बढ़ाया, उसके बाद 20s का दिखाना है, उसके बाद फिर घटाया, ये दो बार करना पड़ा। अच्छा। एक बार बढ़ा लिया तो फिर वो रुकने को तैयार नहीं, सर बड़ी मुश्किल से घटाया, फिर उसके 15 दिन बाद बोलते हैं कि वापस से बढ़ा लो। क्रेजी पीपल। ये बिल्कुल ठीक करें, दुनिया में सबसे आसान काम है वजन बढ़ाना बढ़ाना, और दुनिया में सबसे मुश्किल काम है वजन घटाना। मेरे से ज्यादा कौन जानता है? मेरा होइंद्रा। I remember when I was doing, मैंने प्यार किया, I used to have 30 रोटीज, राजमा, चिकन, फिश एंड केले और पता नहीं क्या क्या। अब एक रोटी को स्मेल कर लेता हूँ तो 4 किलो वेट बढ़ जाता है। बड़ा फर्क पड़ता है। ट्रू। तो इस फिल्म के दौरान पहले बढ़ाया, फिर कम किया, फिर बढ़ाया, तो लंगोट सेम ही था कि उसके भी साइज? नहीं सर, लार्ज से डबल एक्सएल तक चला गया। मुझे लाज आ रही है बात करने। चलिए सलमान भाई से ढेर सारी बातें करेंगे, भाई प्लीज आप यहाँ पर विराजमान हो जाइए। सलमान जी, ईद मुबारक हो। ऐसे बोलते हैं ईद मुबारक? स्टूपिड, ऐसे बोलते हैं ईद मुबारक? ईद अरे गले लग के ईद, पता ही नहीं भाई इसको। आप गले लग नहीं रहे हो, आप पढ़ रहे हो। ओहो, ये लीजिए मेरी हाथों की सेवाएं, खाइए। आपकी हाथों की है? हाँ जी। तो इसको थोड़ा दूर ही रखना पड़ेगा। मैं इनसे पूछो जरा, इसके घर का नाम चावला स्वीट्स है? झूठ बोलना होता कम से कम, कटोरी तो अपनी रखा करो। सलमान जी, खाने के पहले मैंने आपके लिए एक लव लेटर भी लिखा, आप सुन लीजिए प्लीज। हाँ प्लीज सुना दीजिए। मेरी लव लेटर लिख रही हो? प्रिया सलमान, मेरी आत्मा के अंतर्मन में आपकी मनोहक मूरत विराजमान है। मैं आपके प्रेम और सौंदर्य के मोपाश में वशीभूत हूँ और अपना सर्वस्व आप पर मन
न्योछावर करती हूँ. क्या करती है? न्योछावर. और ये जान के आप सबको बड़ी खुशी होगी कि ये चिट्ठी पढ़ने की तैयारी सिर्फ इन्होंने 3 महीने में की है. So this is a really धिक्कार letter. चलो आप खा लीजिए सेवाएं. हाथों की. सलमान खान जी. सलमान खान जी ईद मुबारक. बाप रे क्या लेके नहीं लेके क्या बना के लाई? मैं सेवई बना के. ये सेवई? ये क्या बात हुई सलमान, ये तो बेवफाई वाली बात होगी. नहीं, ये गलत है. दे दे दे, इनका ये इनकी सेवई. हाँ तो ऐसी होती है. नहीं लेकिन ये तो बेवफाई वाली बात होगी, ये गलत हो गया. मैं आपकी पिछली रिलीज से सेवई बना के बैठी हूँ और यहाँ पर आप किसी और. पिछली रिलीज से? सच में? वैसे आप खाइए ना. मैंने नहीं नहीं ऐसा ना ना. अरे पांच चांस ही नहीं. या नो मुझे शक क्या पता, इसको कोल्ड भी है. शट अप. क्या बना, कैसे बनाई है? अपने आप को शट अप बोल रहे हैं. मैंने 5 दूध मिलाकर ये बनाई है. 5 डिफरेंट टाइप के दूध मिलाए हैं इसमें. 5 डिफरेंट टाइप? कौन सा दूध है भाई? कौन सा दूध है? नहीं, थोड़ा सा मैंने गुप्ता जी के घर से लिया, थोड़ा शुक्ला जी के घर से लिया, थोड़ा पांडे जी के घर से लिया, उस्मान भाई के घर से और शहजाद भाई के घर से मिला के ये बनाई ना. इतना दूध इकट्ठा किया तो नई भैंस ही बना लेती है. वाह वाह, क्या कमाल की बातें करते हैं आप. आपको शायद पता नहीं है, ये चोटी जो आपको दिखाई दे रही है ना जी, ये मैंने जुओं को ऐसे रेंट पे देने के लिए नहीं बनाई है. कभी कभार अगर इसे हंटर की तरह इस्तेमाल करें, कभी कभार, तो सट्टा सट्टा बड़ी जोर से लगती है. दिखाओ आप. भाई इसको बोलो ये छोड़ो, अपना बताए, खुद भी तो जेल जाके आई. आप प्लीज ये तो इसमें क्या बुराई है? बड़े बड़े लोग जेल जाके आते हैं भाई. वैसे आप प्लीज यार इसके इतना नहीं. अरे अंधारी इसमें से आप इसे वही से मतलब आ तो रही यहीं से कहीं से. क्या स्पेशल है इसमें? अरे ये सुल्तानी सेवई है. क्या स्पेशल क्या है? क्या क्या अखाड़े की मिट्टी डाली इसमें? सुल्तानी सेवई क्या होती है? भैया एक अखाड़े के जो दाव पेच होते हैं ना, वो इस्तेमाल करके बनाई है ये. अब जैसे मैंने ऐसे पतीला लिया, फिर पतीले को ये ऐसे धोबी पछाड़ दिया मैंने पतीले को. उसके बाद मैंने ऐसे तार ठोक के उसमें दूध डाला. उसके बाद मैंने सेवई ली, उसको ये मरोड़ा, फिर अंदर डाला, फिर दोनों हाथों से धुक 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 धुक. इसकी टाइमिंग बहुत गलत जा रही है. सबको पता है सुल्तान की प्रमोशन चल रही है, इतना सोच समझ के कुश्ती वाली लाइनें डाल के इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? वाह. और भी आपको ऐसी कोई टेढ़ी मेढ़ी और लाइनें बोलनी है ना, जरा साथ में बोल दीजिए कि जब हम बात करते हैं डिस्टर्ब होता है बीच में बार बार. अच्छा मुझे समझ नहीं आया सलमान भाई क्यों खड़े हैं. भाई इतनी इज्जत मत दो, आपको पता ही है. बैठो आप. नहीं नहीं आप बैठिए बैठिए. इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि अगर मैं बैठ जाऊँ तो एक मेरे को एक नहीं, देखो ये इस लेवल में बैठना नहीं चाहता. बेबी को बेस पसंद है, बेस भाड़ा भी बहुत है. ठीक है आप थोड़ी सी टेस्ट करके दी. रोशन को खिलाओ. एक मिनट. ठीक है ठीक है. नहीं आपको अगर लग रहा है इसमें कुछ गलत है, मैं एक बार खुद ट्राई करके देख लेती हूँ. कुछ अगर इसमें प्रॉब्लम हुई तो हम चेक कर लेंगे. ओके. बस ये तो बहुत टेस्टी, आपने मिस कर दिया एक्चुअली. देखो सलमान जी, ये खाने से प्यार करती है, आपको प्यार नहीं करती. अरे हाँ तो मैं खाने से प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी सिस्टर, ये मेरी बहन है, मैं इससे भी बहुत प्यार करती हूँ. और मैं आपको सच बताऊँ, मैं आज आपकी मदद करने के लिए सलमान खान से बात करने ही वाली हूँ. क्या हो रहा है ना, ये मेरी बड़ी बहन है, इसकी शादी नहीं हो रही. माई चॉइस सलमान जी. मुझे मैंने डिसाइड किया, बड़ा भाई ना घर का, मेरी भी शादी नहीं हो रही.
इग्नोर हर, ये कुछ भी बोलती है एंड मुझे पता नहीं भी ये कैसे मेरे बहन बन गई. जस्ट इग्नोर. बन गई मतलब मैं क्या मोमोज हूँ? तो बन गई पैदा हुई हूँ. लेकिन एक्चुअली सलमान जी, मैं आपको बता रही हूँ कि आप ही इसकी मदद कर सकते हो. कैसे? इसको एक ऐसे शॉक ट्रीटमेंट टाइप की जरूरत है, मतलब 440 वोल्ट का जो झटका जो आपकी फिल्म में है. थैंक यू. और आपको ईद मुबारक. ईद मुबारक. बस कर, आ जाओ. आ जाओ मतलब क्या? जाओ जाओ जाओ. हाँ तो मैं जा रही हूँ. थैंक यू. आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा. बहुत अच्छा लगा. लगा ना? ओके सलमान जी. ओके बाय. सलमान भाई, सुल्तान में 9 गाने हैं टोटल. अच्छा, सूरज बड़जात्या साहब की फिल्में होती है तो समझ में आता है. ये एक्शन फिल्म है और आप पहलवान बने हुए हैं, तो 9 गाने मतलब कैसे? सब पहलवान रोमांटिक होते हैं क्या? अरे आपके पिता भी रेसलर थे ना? फिर पुलिस में थे पहले. हाँ. लेकिन शौक था उनको तो रोमांटिक नहीं थे. नहीं, रोमांटिक नहीं होना और कपिल का यहाँ पर मौजूद होना असंभव. असंभव इस दुनिया में. मम्मी डैडी रोमांटिक थे? मेरे को मालूम नहीं होने यार. भाई तो वैसे हम 3 भाई बहन हैं. उस हिसाब से देखा जाए तो काफी काफी. हमारे फादर से थोड़े से कम है, लेकिन हम 5 और वाइफ भी उनकी 2 हैं. तो हम अब उनको बुलाते हैं, उस महिला पहलवान को बुलाते हैं जिनके ऊपर हमारे ये पुरुष पहलवान जो हैं वो टली हो गए, रोमांटिक हो गए. प्लीज आप सबकी जोरदार तालियों के बीच द वेरी टैलेंटेड अनुष्का शर्मा. खड़ी हो, बैठ जाओ. प्लीज प्लीज. पिछली बार से लंबी हो गई अनुष्का. हाँ. अनुष्का आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू कपिल. हाँ जी, आपको पता है अनुष्का जो है सुल्तान में ये भी रेसलर बनी है? पता है, स्लिम और स्लीक पहलवान. पहली बार आप देखेंगे फुर्ती से रेसलिंग करने वाली. अच्छा अनुष्का, एक बात बताओ, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने कभी ऐसा कोई किरदार नहीं किया अब तक ना, किसी स्पोर्ट्स पर्सन का या पहल, वो भी पहलवान बनी है या, आप. और ऊपर से लड़कों के साथ कुश्ती भी कर रही हैं जी, तो उनको तो बड़ा मजा आया होगा. नहीं बिल्कुल नहीं, पिट रहे थे, क्या मजा आएगा. जिसकी जुल्फ को देख कर बंदा मदमस्त बादल हो जाए. ठीक है भाई, जिसकी जुल्फ को देख के बंदा मदमस्त बादल हो जाए, रूप ऐसा कातिल के आशिक भी पागल हो जाए. जरूरत क्या है, जरूरत क्या है मोहतरमा, आपको कुश्ती अखाड़े की, आप मुस्कुरा दो बड़े से बड़ा पहलवान घायल हो जाए. बाजी. एक्चुअली ये ना काफी सालों से ऐसे तारीफ करते आ रहे थे लड़कियों की. हाँ. तो एक दिन पिछले हफ्ते हमने भाभी जी को बुला लिया. तो अब इनको ये है कि अब तो भाभी आके चलेगी, अब फिर 3 साल नहीं आएगी, तो अब ये दोबारा मार्केट में आ रहे हैं. वेलकम बैक कैरी ब्रो. अरे सलमान भाई, आप दोनों तो एक्टर्स हैं, आपको पता है अगर आप कोई फाइट सीक्वेंस कर रहे हैं तो आपको पता है कि मुझे कितनी दूर से हाथ आसपास से निकालना है ताकि उसको लग ना जाए, या कितने प्रेशर के साथ मारना है. आपको पता है अनुष्का आप एक्टर्स हैं, लेकिन जिनके साथ आप कुश्ती कर रहे थे वो तो ओरिजिनल पहलवान थे, तो उनको आप पहले बताते थे कि भाई थोड़ा ध्यान से रखना है? उनको पता था कि जितना भी उनको बताओ भूल जाते थे. उनको पता नहीं ऐसा हो जाता था, जहाँ उन्होंने एक्शन सुना उनको ऐसा लगता कि वो किसी एमएमए के रिंग में फाइट कर रहे हैं. तो वो अपने हिसाब से करते थे, वो जहाँ उनको कुछ खुला दिखता था वो वहाँ पे धाई से पंच मार देते थे. आई थिंक द स्पोर्ट्समैन जो था ना वो जाग जाता था सडनली जी, एंड देन वो बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाते थे, तो सडनली वो बोलते थे इनसे तो नहीं हारेंगे, अब बस वापस हमारे ऊपर हावी हो जाते थे. तो उनको याद दिलाना पड़ता था भाई कैमरा देखो, पिक्चर चल रही है. और मारने के बाद तो सॉरी बोल ही देते थे ना. सॉरी बोल दिया. और हम डर ये लगता था कि अगर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे मारा क्या होगा उसका? कुछ भी नहीं, मतलब रोज तो पिटता है. अच्छा चुन चुन के लेके आए थे. अच्छा पहले तो ऐसा लगा कि यार ये सब उठा के बहुत कसकस से के पटक रहे हैं, और आदमी आड़ा टेढ़ा गिर रहा है, कहीं कोनी के बल गिर रहा है तो कभी गर्दन के बल गिर रहा है, वो पीठ के बल चित,
और धार 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 इट वाज वेरी आई फेल्ट लाइक किलिंग दोज गाइस बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है आजकल आप भी सोच समझ के हंसिए सब फंसेंगे अच्छा मिट्टी का ये चक्कर था कि थोड़ा सा लड़ने के बाद ना भूल जाते थे मिट्टी को खोदना जी तो मिट्टी ऐसा चट्टान जैसा हो जाता था तो खांसी निकला देती और सब देख रहे हैं आप है अब सबको पता है कि पड़ी है और सबको पता है कि ये दिखाना नहीं चाह रहे कि इसको लगी है वो लेकिन वो एक्सप्रेशन अब ये भी नहीं बोल सकते अली जाके बोल उसको यार लग रही है यार ये भी नहीं बोल सकते अब उसको ही पता कि पड़ी इसको अब ये बोल नहीं रहा है तो ये धड़ा 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 दे रहा है उसके बाद चलो हमारा पटकना बंद हो गया अब मजा आएगा इनको पटकने में अबे साले उठे तो पटके आपको पता अनुष्का ने फिल्म रब ने बना दी जोड़ी में शाहरुख भाई को अपने स्कूटर के पीछे बिठा के उनको चलाती हैं फिर पीके में आमिर खान सर को इन्होंने स्कूटर के पीछे बिठाया अभी सुल्तान में ये सलमान भाई को पीछे बिठा के लेके जा रही है तो आप क्या साबित करना चाहती कि आप तीनों खानों को पीछे छोड़ रही हैं मैंने ये साबित किया है कि इंडस्ट्री में मुझे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान माना जाता है कि द थ्री बिगेस्ट हीरोज ऑफ आर कंट्री जिनके ऊपर इतने पैसे लगे हुए हैं हु आर वर्थ सो मच उनको बस मैं पीछे बिठा के चला सकती हूँ बिकॉज़ ओनली आई एम रिस्पॉन्सिबल बाकी वो किसी में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते साजिश या इन तीनों को मारो दो को तो छोड़ दिया आपको भी छोड़ ही दिया तो बच गए बच गए अच्छा मैंने तो सर मैं तो अपने पैर जमीन से उठाए नहीं उठाए नहीं मैं अच्छा क्या इन क्या समझदारी ने ये की कि हमारे जो मोटरसाइकिल के पीछे एक डिश है तो अगर मैं खड़ा भी होना चाह रहा था ना वो सर डिश मुझे ले चलता But I was very good. You also said I was very good. Riding distance, यहाँ से लेके वहाँ तक के, यहाँ से लेके 25 take. What a bit, नहीं नहीं. हाय, इतना बुरा लग रहा मुझे. अनुष्का आपने जैसे आपने कहा कि आपने शाहरुख भाई के साथ, आमिर भाई के साथ, सलमान भाई के साथ काम किया, सबसे ज़्यादा डर किसके साथ काम करने में लगता है? अच्छा क्यों लगता है? I don't know यार मुझे नहीं पता है I think मैं ये solve करती जाऊँगी अपने दिमाग में I get very intimidated by Salman क्या बोलते हैं intimidated को हिंदी में मुझे बताओ मुझे क्या पता अच्छा बारी इस फिल्म में देखना आप अनुष्का ना गोबर के उपले बना रही है भैंस के गोबर के उपले बनाती है और सलमान भाई देखते हैं उनको प्यार हो जाता है फिर दबंग में देखा सोनाक्षी मिट्टी के घड़े बना रही होती है उनको देखते प्यार हो जाता है सलमान भाई को ना फिल्मों में देसी काम करने वाली घरेलू लड़कियां उनसे प्यार हो जाता है तो भाई रियल लाइफ में भी ऐसे वैसी, ही वैसी, 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 वैसी ही वैसी ही चाहे कहीं से भी हो लेकिन वैसी ही माँ क्या आप भी वही समझे जब मैं समझा सुल्तान में एक डायलॉग है सलमान भाई ये कहते हैं कि डॉक्टर की शादी डॉक्टर से होनी चाहिए इंजीनियर की शादी इंजीनियर से और पहलवान की छोरी से भाई आपको क्या लगता है इस सेम प्रोफेशन में शादी करना जो है उसका फायदा है कि नुकसान है इनिशियली फायदा है इनिशियली फायदा कैसे इनिशियली फायदा है कि एक कॉमन टॉपिक मिल जाता है बात करने के लिए स्पेशली लड़कियों को यू नो आई थिंक वो एक तो पहले तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो जो इंटरफेरेंस बहुत यू नो आई डोंट थिंक यू हैव डन दिस सीन राइट यू नो आई थिंक यू शुड हैव डन इट डिफरेंटली बट फॉर द मैन इट्स अ बिग नुकसान जो उसको हर चीज पता चलती है कि ये प्रोफेशन में ये 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 होता है राइट बाहर वाली को शायद इतना नहीं बिल्कुल नहीं पता नहीं और आपका अफेयर शुरू हो गया जी तो उनको ऐसा लगता है कि अच्छा मैं इनसे पट गई तो दुनिया की कोई भी औरत पढ़ सकती है इनको पता नहीं होता कि हमको कितना भीख मांगना पड़ता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है जिस दिन को ये पता चले हाँ तो ये खुद बोलेंगे कि प्लीज यार प्लीज हैव एन अफेयर विद माय बॉयफ्रेंड
तो ये डिबेट को हम थोड़ा दर्शकों तक लेके चलते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि सेम प्रोफेशन में शादी करने के नुकसान है या फायदे हैं? जी सबसे पहले कौन आ रहे हैं वन बाय वन? जी हाय कपिल सर। हाय सत श्री अकाल पाजी। हेलो अनुष्का मैम। हेलो सलमान सर। सेम प्रोफेशन स्टूडेंट्स? नो मेरा नाम प्रियंका है। आई एम फ्रॉम न्यूजीलैंड। आपके साथ उनका परिचय नहीं कराया आपने? भाई भाई हैं। सर माय नेम इज अविनाश मिश्रा। आई एम फ्रॉम जलंधर। भाई बहन है आप? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? केमिस्ट्री तो वही लग रही है भाई। नहीं लाइक हमारा प्रोफेशन सेम है बिकॉज हमारा कॉल सेंटर इंडिया में भी है। जिस कॉल सेंटर में मैं न्यूजीलैंड में काम करती हूँ वी हैव ओपनड अ कॉल सेंटर इन इंडिया टू। तो प्रोफेशन सेम है। तो आप भी कॉल सेंटर में जॉब करते हैं? हाँ। तो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कॉल सेंटर में एक दूसरे को लगे रहते हैं? सर दूसरों के भी करते हैं साथ साथ अपने भी कर लेते हैं। तो क्या आपके विचार क्या हैं? आप क्या ओपिनियन आपका क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे हिसाब से तो बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं लाइक ही कांट लाई टू मी एनी टाइम बिकॉज़ ये तो डिसएडवांटेज है। तो भाई अभी आपकी एंगेजमेंट ही हुई ना? हाँ जी। देख लो अभी भी है। तो मैडम ने कहा है कि एडवांटेज है, चलो अच्छी बात है। तो आप इसका सर डिसएडवांटेज जैसे जैसे सारे राज मतलब सारी कुंडली इनके पास होती है हमारी। अबे तो राज रखते क्यों हो, सीधा सीधा बोल देना चाहिए। हाँ, बोल दो ऑनेस्ट। फिर तो सर भी मिलेगी नहीं ना। ऐसी हरकतें मत किया करो तुम। सर करते क्या, उनको तो शक की बीमारी होती है ना। बस करेक्ट, यही तो बात है। जहाँ शक की बीमारी हो वहाँ रिश्ता नहीं रह सकता, ये पक्की बात। अब तो सोच के बोलना पड़ेगा। तुम तो आज ही बैठ के सोचो। चलिए शुक्रिया ब्रदर, शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए, धन्यवाद जी। और कोई मेरे दोस्त? आराम से चिल्लाओ, आराम से आराम से, अब जाना अब जाना अब जाना, आराम से आराम से सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, हटो लाइन में आ जाओ, सब लाइन में आ जाओ, सबको मिलेगा। क्या इधर अबू बन रहे हैं? एक मिनट सब लाइन में आ जाओ। लेकिन सब क्या आदाब अनुष्का, आपा कैसी आप, माशाल्लाह कितनी अच्छी। आदाब बजा लाती हूँ, अभी तो कुछ किया ही नहीं आपने। लल्ला आखिर आपके दीदार हो ही गए, ऐसी भी क्या दूरी, ईद का वक्त है, गले नहीं मिलोगे। रमान भाई अब देख लो चैनल चेंज हो गए, हरकतें चेंज नहीं हो रही। देखिए ये गुनाह है अजीम है, ईद के वक्त गले नहीं मिलना। आइए अच्छा मैं अपनी आंखें बंद कर लेती आप मिल लीजिए। क्या फर्क पड़ेगा? मिलिए ना। लेकिन साहब किसके बच्चे करके रहेंगे आप? मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप, जिन्हें ये अपना अब्बा 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 कह रहे हैं उनसे पूछे ना। सारी दुनिया जानती है सलमान कुंवारे कुंवारे तो क्या हुआ। नादान परिंदे कुंवारे है तो क्या हुआ, इनके कुंवारेपन पर एक शेर अर्ज है। खड़गांव बॉलीवुड में इनका सिक्का चलता है, बॉलीवुड में इनका सिक्का चलता है, हर किसी का दिल इन पर पिसलता है। बाप बनने के लिए जरूरी नहीं शादी करना, कैश सिर्फ बैंक से नहीं एटीएम से भी निकलता है। ये अपना हिसाब गिन रहे हैं। ऐसे क्या मुस्कुरा रही है आप? देखिए ना माशाल्लाह कितने अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे, सब अपने अब्बू पर गए हैं। मुस्कुरा आपको लग रहा नहीं क्या? देखो वैसे ही वो शादी नहीं कर रहे हैं, आप ऐसी हरकतें करके उनको और दूर भगाओगे शादी से। क्या सारे बच्चे दिखा रहे हो ऐसी हरकतें करके? ठीक है जाओ, बेड़ा गर्क हो गया मेरा, जाओ। मैं क्या कह रही थी, खुदा गवाह है सल्लू मियां, बहुत बड़ी कदरदान हूँ मैं आपकी जी।
पर मैं सच कहती हूँ अली नहीं कर यार अली अच्छा अच्छा दूर से बस नहीं मैं कुछ नहीं बस सच कह रही हूँ मैं दिलो जान से आप पर मरती हूँ जी आपको नहीं पता सल्लू मियां एक वक्त था जब मैं आपसे शादी करना चाहती थी किसी भी कीमत पर मैं आपको हासिल करना चाहती थी इसी चक्कर में गैलेक्सी अपार्टमेंट भी चढ़ाई कर दी थी मैंने आपके घर के पीछे पाइप नहीं भाई चढ़ रही थी किसी ने फ्लश कर दिया तो गिर गई नीचे क्यों करती ऐसे काम करके ऐसे कोई फ्लश करेगा तो डर के मारे गिरूंगी ना मैं ऐसी जोरदार आवाज आई थी हाथ पिसल गई पुछ नीचे आ गए लेकिन सल्लू मियां नहीं लगाऊंगी हाथ फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी जैसे तैसे करके मैं आपके घर में घुस आई खिड़की से पर आपके घर वाले कोई दिखाई नहीं दिए सिर्फ वो साजिद वाजिद हिमेश रेशमिया सूरज पंचोली यही घूम रहे थे सच कह रही हूँ बात दरअसल ये है कि मेरे जो नवाब साहब है ना माशाल्लाह उन्हें भी कुश्ती का बड़ा शौक है अगर जामत ना हो तो आप मुझे कोई पोर्टेबल सा दाव सिखा देंगे देखो सलमान भाई आपको नहीं सिखा सकते वो अपना लंगोट नहीं लाया मुझे पता था बात यहीं पे आके अटकी मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ निकल जा हाँ ओ हाँ मैं तो ये भूल ही गई थी This is actually लंगोट यार हाँ तो पहना हुआ है सूख रहा था ले आई खराब हो गया हाँ वो पसीने से चला गया कांजी वांजी मार के तुम कड़क बेगम आपका हो गया हाँ हाँ जाने से पहले एक और शेर आपके नाम करना चाहती हूँ आए हाय आए हाय तेरी मोहब्बत में इश्क छलका जाम हो जाए किसी समंदर के किनारे ठंडी शाम हो जाए जरूरी नहीं है कि तुम मेरे घर आ जाओ ख्वाबों में भी आ जाओ तो अपना काम हो जाए बड़ा ही वाह यार शेर बड़े ही अदब से सुनाया गया थोड़ा राइट लो इधर लो भाई इधर तुमको यार इधर थोड़ा यहाँ पे लो थोड़ा बैक 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 मोड़ो मोड़ो और यार तुम इधर मैम हाँ बस ठीक है थैंक यू सो मच जाओ जी जाओ जाओ डॉक्टर साहब कहाँ से आ रहे हैं आप वह कुश्ती का मुकाबला रहा था वहीं से मार खा के आ रहा हूँ लंगोट होना या दिस इज द कुश्ती बेयर बिकॉज वेरी नेचर लाइक इन क्रिकेट यू वेयर पैड देयर यू वेयर द लंगोट नया ट्रेंड या तो बहुत मार रहा उन्होंने मेरे को फिर मैंने भी उनको कह दिया कि भाई मार तो रहे हो याद रखना मेरे को छोड़ के आना पड़ेगा तो छोड़ के गए मेरे को यहाँ पे बट BTTF दे BTTF क्या होता है बड़ा टूटा फूटा चले मेरा हेलो सलमान जी दिस इज डॉक्टर मिश्र गुलाटी हाउ आर यू डूइंग सर नाइस गाइस मिश्र जी प्लीज हैव अ फ्यू कॉन्फिडेंस तो कुश्ती करके आया आपको इतना नहीं पता लंगोट को पैंट के ऊपर नहीं पहनते नहीं पैंट तो मैंने सेफ्टी से पहनी हुई ना लंगोट ढीला होता है कई बार नीचे गिर जाता है अंदर से तो जेंटलमैन ही निकलना चाहिए ना आदमी मेरी बात सुनो जब आपको सांप पकड़ना नहीं आता तो बिल में हाथ क्यों डालते हो आप ये कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हो यार सांप तो सांप पकड़ा ही नहीं तो कुश्ती करने गए क्यों थे आप मेरे को ना वहां पे ये लगा कि अनुष्का जी जैसी कोई खूबसूरत लड़की होगी उनसे मैं मार मार खा लूंगा थोड़ा मजा भी आएगा बट ये तो मुस्टंडे थे इन्होंने नहीं सोचा ये पटक पटक के मारा इन्होंने मेरे को और मेरा मुंह नीचे लगा दिया और टांग लेके ना
ऐसे रख दिया, ऐसे ऐसे करके नहीं मिल गया। अब मैंने पैर का पोजीशन इनका इधर था तो मेरे मुंह से सॉली सॉली भी नहीं निकल रहा था। मैं क्योंकि क्योंकि यहाँ रख दिया ना, कैसे बोलेगा आदमी सॉली। अच्छा पांचों खाने चित कर दिया मुझे, बेस्ट पार्ट ये है। चार खाने होता यार, चारों खाने होते, चार खाने चित, चार खाने तो पहले राउंड में एक मिनट में हो गया था ना मैं। फिर उसके बाद इन्होंने खाना खाया, फिर मेरे को पांचों खाने चित किया। बट मेरे को धाव पेच की बहुत नॉलेज है सलमान साहब। किसकी? मैंने धाव खेला, मैंने कहा तुझे तेरी माँ की कसम अगर अभी मारा तो। बेस्ट पार्ट ये था कि उसने फिर भी मारा। बड़ा गलत आदमी होगा ना, अपनी माँ से प्यार नहीं करता होगा। नहीं नहीं, आंटी जी तो वही बैठी थी, वही कह रही थी, वही कह रही थी कि मारो इस गधे के बच्चे को। अच्छा ये वही आंटी है जो मुझे शुरू में कह रही थी तो मेरे बेटे जैसा, बाद में अपने बेटे को चीयर कर रही थी। वो इतना खुद अग्रेसिव नहीं था पहलवान जितना माँ की चीयरिंग अब से हो गया। एक सेकंड, ओह फोन आ गया। हेलो, कह दो मैं बिजी हूँ। हेलो हेलो जी, जी बहुत बिजी हूँ। अच्छा सर बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, ओके ठीक है। और सलमान भाई हम लोग ना एक सिटी केबल के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, वो कहते हैं कौन भैल करोड़पति खेलना है, तो आप लोग मेरा साथ दोगे डॉक्टर साहब? या या श्योर, व्हाई नॉट, प्लीज जरा मेरा कौन बड़े करोड़पति का सेटअप लेके आइए। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे खेला में जिसका नाम है कायल भाई करोड़पति। और आज ये खेला खेलने के लिए हमारे साथ है हरियाणा की शेरनी अनुष्का शर्मा और बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान। तालियां। भाई एक बात बताओ, ये सलमान खान जी को आप करोड़पति बनाना चाहते हैं, इनमें तो नुकसान है, ऑलरेडी अरबपति आदमी है यार, ये तो उनको ठगने वाली बात होगी। इट्स जस्ट ए पॉइंट ऑफ व्यू। बकवास बंद करने, तेरे लंगोट गीला करके तेरे मुंह में डाल दूंगा। तो इन दोनों का खेला में साथ देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी और प्लेजर टू बी हियर, प्लेजर माय प्लेजर। टीवी से बाहर आ रहे हैं, रेनी डे है ना तो नेटवर्क कर लेता है। और दूसरे एक्सपर्ट जो साथ देने के लिए आ रहे हैं है? उनका नाम है बिमला देवी। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। हेलो अनुष्का, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सलमान खान, हाय रब्बा, मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा, मेरा दिल करता मैं तो कुछ खा के मर जाऊं। तो मर जा। हाय रब्बा, सलमान खान जी बताइए क्या करना है? पहले करके आना चाहिए था। आ, क्या करना? अरे बैठो, आजा आजा चीप औरत। She's a cheap lady. तो ये हैं दोनों हमारे एक्सपर्ट, ये हैं एक्स और ये हैं पट। ये कहाँ से पट होगी यार, ये एक चीप है। नहीं जब भी मैं कुछ खाती हूँ ना पटपट होता रहता है। आप बताइए आप कहाँ से एक्सपर्ट हैं? मेरा तो मेडिसिन एक्सपर्ट का ही काम है। मेडिसिन एक्सपर्ट नहीं, एक्सपोर्ट होता है। तो मैं कौन सा इंग्लिश का फ्रैक्चर लगा हुआ हूँ यार, कि मेरे को पता है भी एक्सपर्ट है। ओ डॉक्टर साहब फ्रैक्चर नहीं लेक्चरर होता है। तो मैं तो पहले कह रहा हूँ कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। यू चीप शट अप। एक डॉक्टर से जुबान लड़ा रही है, पेशेंट बनने की औकात नहीं है सिद्धू साहब इसकी। यू शुड बी ग्रेटफुल कि तू डॉक्टर के साथ बैठी हुई है। तो चलिए खेला शुरू करते हैं जी। तो खेला शुरू करने से पहले मैं खेल के रूल बता दूं, जीतने वाले को 5 करोड़ रुपए मिलेगा। Oh, that is a big amount. और जो हारेंगे उनसे लेके दिया जाएगा। पहला सवाल, इसका पासवर्ड क्या है? मेरे को पता है। स्टार स्टार स्टार, मैंने टेढ़ी आंख से देखा हुआ है ऐसे को। चुप जबरगंजू, मैं पूछ नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ इसका पासवर्ड क्या है। KYA। तो पहला सवाल रहा 10 लाख रुपए के लिए आपकी स्क्रीन पर, ये सलमान खान की पॉकेट मनी कितनी है? ऑप्शन ए 10 करोड़, ऑप्शन बी 20 करोड़,
ऑप्शन सी 30 करोड़, ऑप्शन डी बहुत ज्यादा। बताइए बताइए। वो तो इनसे पूछना चाहिए, मैं भी जानना चाहती हूँ। अगर आपको इसका जवाब नहीं आता तो हमारे एक्सपर्ट की राय ले सकती हैं। सलमान जी की पॉकेट मनी। ओके, दैट इज अ नाइस क्वेश्चन। वेल, एज अ डॉक्टर एन एक्सपर्ट, आई वुड लाइक टू टेक अ हेल्पलाइन, कॉल अ फ्रेंड। तो एक्सपर्ट का ये कहना है कि वो अपने फ्रेंड को कॉल करना चाहेंगे। तो किसको कॉल करना चाहेंगे आप? मैं, मेरे फ्रेंड हैं सलीम साहब, उनको फोन लगाना चाहूंगा। शट अप डॉक्टर साहब, सलीम साहब आपके कब से फ्रेंड हो गए? क्यों, मैं कई बार उनके घर के नीचे खड़ा हूँ, ऐसे ऐसे किया मैंने, कड़ी बारी किया मैंने। ओ फ्रेंड ने, आप उनके फिर भिखारी हुए ना? ओके, उसे भिखारी कहते हैं? हाँ जी, उनको भिखारी कहते हैं। तो फिर मैं नहीं लोग आता उनको फोन, इनको फोन लगाइए, इनको, ये हैं कोई, ये हैं अपने सुरजीत जी को फोन लगाया जाए। जीरो कंप्यूटर जी, सुरजीत को फोन लगाया जाए। या सॉरी, खुद ही लगाना पड़ेगा। सुरजीत सुरजीत जी, कॉल बैक। सुरजीत सिंह जी से बात कराइए। सुरजीत सिंह जी को कहो पिछली बर्फ वाली गली से जोगिंदर को बुलाएं। बर्फ वाली गली से जोगिंदर सिंह को बुलाया जाए। और 40-45 मिनट लगेंगे, उनकी टांग का ऑपरेशन किया ना मैंने, तो स्लो स्लो आएंगे। अरे तेरी माँ का लैंडलाइन, तेरी माँ का तो मोबाइल है यार, शी डजंट हैव ए लैंडलाइन। बकवास कर रहे हैं। तो अगला सवाल सलमान खान के लिए, कितने प्रतिशत भारतीय है? मैं बताता हूं, पहले सवाल तो सुन ले अर्थी कपूर। केबीसी का गेम में 10 का दम का सवाल पूछ रहा है, हमको नहीं पता कितने प्रतिशत का फॉर्मेट ही अलग है। मैं क्या बताता हूं, तेरा जीजा की साली बीच में खेल डिस्टर्ब कर रहा है। गिव मी द सेकंड आल्सो बाद में। नहीं, जोड़ी हो जाएगी, बरसात है, सैंडल चाहिए भी मेरे को। बकवास बंद कर, बकवास हट। अगला सवाल, कितने प्रतिशत भारतीय अपने नाक पे जीभ लगा सकते हैं? ऑप्शन ए, आपको नहीं पता। ऑप्शन बी, आपको भी नहीं पता। ऑप्शन सी, हमें भी नहीं पता। ऑप्शन सी, किसी को नहीं पता। अब क्योंकि आप क्या कहना चाहेंगे? इट इज अ टफ वन। बहुत मुश्किल है ये। तो मिस्टर सलमान खान के पास भी सवाल का जवाब नहीं है, तो मैं पूछना चाहूंगा आप सब लोगों से, लगा के दिखाइए। सब के सब अनएजुकेटेड, किसी का नहीं लग रहा। तो चलिए अगला सवाल, अगला सवाल 50 लाख रुपए के लिए सलमान खान से। छोटी एबीसीडी, बड़ी एबीसीडी से कितनी छोटी है? ऑप्शन है ए 5 साल, बी 10 साल, सी 20 साल, या डी 7 महीने। छोटी एबीसी बड़ी एबीसी से इतनी छोटी है, ये बड़ी एबीसी छोटी है, बड़ी छोटी बड़ी कम है। फंस गया, क्यों करती हो ऐसे एक्शन जो बार बार फंसते हैं? सिद्धू साहब देखो, ये देखो, सबकी घड़ी में 9 बजे, इन्होंने ऐसे ऐसे करके अपनी घड़ी में 11 बजा लिए हैं। चीप रिमार्क।
सवाल अनुष्का शर्मा के लिए, बिकॉज ये एक एक्शन सवाल है। कौन सा? सॉरी एक्सपर्ट को दूसरा भी तेज। ये एक एक्शन सवाल है। मैं तो खेल लिया, मिला तो हो गया। दूसरा सवाल जो है वो हमारा एक्शन सवाल है। हमारे एक्सपर्ट्स कुछ करके बताएंगे, आपको बताना है कि इसका मतलब क्या है। कैन आई जस्ट, आपको इस स्टेप का मतलब बताना है। आपके ऑप्शन है ए, बिरयानी खा के मजा आ गया। ऑप्शन बी, फिल्म में 300 करोड़ से ज्यादा कमा लिए। ऑप्शन सी, पसीना सर से होता हुआ रीढ़ की हड्डी से कच्चे में घुस रहा है। ऑप्शन डी, जो दूसरा है वही चौथा है। मैं इस मुद्दे पे एक और स्टेप करना चाहूंगा। ये स्टेप तुमसे किसने करने को कहा था? करने को नहीं कहा था, मेरे खुजली हो रही थी यहाँ पे। अभी डॉक्टर होने के नाते मैं ऐसे खुजा तो नहीं सकता, चीप लगता है। आई एम नॉट ए चीप लाइकर। अगला सवाल 2 करोड़ रुपए के लिए। एक आम आदमी के कच्चे में कितने छेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन डी 7, या ऑप्शन ई 27। हाय हाय, 27 कच्चा है का मच्छरदानी है? आप बताइए, एक आम आदमी के कच्चे में कितने छेद होते हैं? सर आपको ज्यादा पता होगा। छेद होता ही नहीं है कोई, कच्चे में नहीं होता ना। तो फिर पैर कहां से डालते हैं? ये भी मैंने तुम्हारे लिए बोल दिया, वरना मैं तो कच्चा पहनता ही नहीं हूं। इंटरनेशनल तेरे आशीष का नेहरा, तेरे कपिल का शर्मा। ये गाली थी कि ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है पूरे 5 करोड़ रुपए के लिए। ओह, तो डरा रहा है आपको रिक्त स्थान भरना है। तो डरा मत, गेम चल रहा है यहाँ पे। एक नॉर्मल प्लेजेंट म्यूजिक नहीं बजा सकते तुम लोग? भूत आ रहा है यहाँ पे कोई? तो इस सवाल में आपको रिक्त स्थान भरने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, एक डायलॉग है आपको दूंगा, रिक्त स्थान भरना है। डायलॉग है कि मैं तुम्हारी बॉडी में इतने छेद कर दूंगा, इतने छेद कर दूंगा कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि चीखोगे कैसे और कहां से। एक मिनट, ये सवाल टेक्निकली गलत है। अगर रिक्त स्थान भर दिया तो वो कहां से करेगा, ये सवाल गलत है। अगला सवाल 4 करोड़ रुपए के लिए। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ये बताइए कि सलमान खान का घर शाहरुख खान के घर से कितनी दूर है? आपके ऑप्शन है ए इतना, ऑप्शन बी इतना, ऑप्शन सी इतना, ऑप्शन डी इतना। बताइए। इतना इतना इतना। ओके, तो इस सवाल का जवाब देके आप जीतनी पूरे 4 करोड़। जो देता है ले लीजिए। अगला सवाल पूरे 4.5 करोड़ रुपए के लिए। बताइए टिंडा मेल है कि फीमेल? ऑप्शन ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है हमें नहीं पता, ऑप्शन बी कभी चेक नहीं किया, ऑप्शन सी टिंडे को कभी नंगा नहीं देखा। इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। आई वांट टू यूज वन पाइपलाइन
ऑडियंस पोल ऑडियंस पोल पेश किया जाए। दोनों एक्सपर्ट से मैं गुजारिश करता हूँ वापिस आए। दिस इज एन इडियट पोल, नॉट डांसिंग एट ऑल, बिकॉज जल्दी 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 चल जल्दी चल जल्दी चल। अगला सवाल पूरे 5 करोड़ रुपए के लिए, जिसका जवाब सलमान खान देंगे, बिकॉज ये सवाल कुश्ती के ऊपर है। ओ बाहर आइए, ये दोनों आपको एक दाव दिखाएंगे, आपको बताने की कुश्ती का कौन सा दाव है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। I don't want to fight this cheap lady. She's cheap. क्या तेरे साथ फाइट करने के लिए जेनिफर लोपेज को बुलाऊंगा? चपड़ खेंचो हट। I don't mind Jennifer Lopez. But ठीक है, whatever. Let's have peace, baby. And okay. David. David. आराम से, आराम से. मैंने आज तक किसी लेडी के ऊपर हाथ नहीं उठाया। मैंने माफ करिए, माफ। लेडी है तू, मैंने आज तक लेडी का हाथ नहीं उठाया। चलो लेडी मेरे को मारे जा रही है। तो आज का खेल यहीं पर समाप्त करते, बिकॉज हमारे एक्सपर्ट जो है आपस में लड़ चुके हैं। एक बार सलमान खान और अनुष्का शर्मा के लिए जोरदार तालियां। शट अप कच्चे नाड़े वाली औरत। कच्चे नाड़े वाली औरत। सलमान भाई, अनुष्का, बहुत सारे लोगों को आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है, तो आप एक एक करके जो भी सलमान जी से बात करना चाहते हैं, अनुष्का से। जी सर। नमस्ते सलमान जी, अनुष्का जी, कपिल जी। नमस्ते जी। सर जी, हम अक्सर सुनते आ रहे हैं कई बार कि सभी लोग आपको पूछते हैं शादी कीजिए कीजिए कीजिए। मैं मेरे दोस्त के साथ आया हूँ, आपको सलाह दूंगा कि शादी ना करें। ऐसा क्यों सर, इसके पीछे क्या कारण है? बिना शादी तन से मन से धन से हर तरह से खुश है। हिंदुस्तान को फ्रीडम करने में भी कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, आप बाय डिफॉल्ट ही फ्रीडम है। तो आप, आपके दोनों दोस्तों का भी यही मत है कि नहीं करनी चाहिए शादी? अनुष्का जी सप्रेम नमस्ते। अच्छा, अभी दूसरों को सलाह दे रही शादी नहीं करनी, खुद अभी नहीं हट रहे? आपकी शादी को साल कितने हुए? काफी हो गए। देखो जी, ऐसा है, बुधवार 9 फरवरी 1983 रात 2:42 से 33 साल 4 महीने 23 दिन हो गए जी। तो ये जो रात के 2:40 का है ना। हाँ जी, वो मुहूर्त था जी। तो क्या है, देखिए मुहूर्त ही गलत है वो। तो इसलिए सलमान भाई को हम तो यही कहेंगे, इस प्रेशर से दूर रहें, खुश रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कीमती ओपिनियन देने के लिए। और मेरे कोई दोस्त? सलमान भाई, कपिल भाई, सिद्धू पाजी, अनुष्का मैम, सभी को नमस्कार। नमस्कार जी। सलमान भाई, जैसे सुना है कि आपको पुराने गाने बहुत पसंद है। जी सुनता हूँ। और हमारे कपिल भाई को गाने का भी बहुत शौक है। जी है। तो आज हम सब लोगों की इच्छा है कि आप किसी पुराने गाने पर अनुष्का मैम के साथ में डांस करें और कपिल भाई उस गाने को गाएं। अच्छा सलमान भाई, मुझे एक चीज ध्यान में आई, एसपी बाला सुब्रमण्यम आपके लिए उन्होंने कितने सारे गाने गाए हैं? सो मैंने प्यार किया, साजन, पत्थर के फूल, निश्चय, फिर लव में, लव, आई थिंक बहुत गाने गाए ना। मुझे ऐसा लगता था कि आपकी अपनी आवाज है। और बड़ी देर हो गई उन्होंने, मतलब वो उन्होंने गाया नहीं। वो साउथ से हैं बेसिकली, ही इज ए वेरी पॉपुलर एंड ही इज ए लेजेंड एक्चुअली। एक सलमान भाई के पीछे जो प्लेबैक करते थे एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब, वो भाई मुझे इतना मजा आता ना उनको सुन के, ऐसा लगता है वो स्पा में बैठे हुए हैं, साथ साथ में उनका कोई मसाज कर रहा है। तो यहां से तू चल, मैं
चल तू चल मेरे को ऐसे याद आ गया मैंने उनकी फरमाइश रह गई भाई जी सर मैं तो रेडी हूं सलमान भाई के लिए प्लेबैक करने के लिए मुझे मैं तो आई एम मोर देन हैप्पी ब्रो रोमांटिक हो यार बहुत ही बेहतरीन गीत आपकी सेवा में आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं मुख्य कलाकार मिस्टर सलमान खान एंड अनुष्का शर्मा और संगीत दिया है जिन्होंने जिनसे लिया है जी पहला पहला प्यार है पहली पहली बार है पहला पहला प्यार है पहली पहली बार है जान के भी अनजाना कैसा मेरा प्यार है पहला पहला प्यार है Very funny, Rohit. Woh hai nishaan. Wohi meri zindagi ki hoon hai. Woh hai nishaan. Usse hai pata. Uske hi haathon mein meri door hai. Usse hai. थैंक यू सलमान भाई शुक्रिया अंकल थैंक यू सर और मेरे कोई दोस्त यस नमस्ते जी मैं सलमान खान जी से सवाल पूछना चाहती हूँ मेरा नाम सुमन है और मैं हरियाणा से आई हूँ सलमान भाई ये सुमन है दिल्ली में हमें मिली थी ये बहाने बहाने से ड्यूटी छोड़कर हमारे शो में घुसाती हैं तुमने जो दिल्ली में शो करा एक मिनट है किससे पूछ के आए थे दिल्ली में मैंने कुछ कहा था तुमको जब तुम इतना टोक रहे हो यहाँ पे अरे नुस्खा जी भी आई हैं सलमान जी हेलो सुमन जो सेलिब्रेट करते हैं सुल्तान इतने लोग पसंद कर रहे हैं पिक्चर रिलीज हो गई आपकी तो उसको तो बनता भी है सेलिब्रेट करना तो सेलिब्रेट कैसे करेंगे हमारे हरियाणा में तो डांस करके करते हैं और तो कोई तरीका है नहीं हमारे पास आने का है तो भी ड्रिंकिंग वगैरह कर सकते हैं पर नेशनल टेलीविजन पे कर नहीं सकते तो वो गाना हमारा फोक सॉन्ग है उसके ऊपर हम लोग ज़्यादातर इन्जॉय करते हैं अच्छा ये जी प्लीज़ आप ये नुस्खा जी मैं आपको फोक डांस करा दूँगी उसमें क्या है चलो बहन La 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 li 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 li la la li li la la li li la la तीन बार लाया है एक बार लाया है आपका नहीं हील्स पहनी है बहन अच्छा मैंने तो फिर गब्बर सिंह के जूते पहने हैं इससे हो जाता है मुझे एक मुझे एडवांटेज आपका ठीक है एक तो फिर सुस्त लो मत ना फिर ऐसे सिंपली ऐसे से कर लो ऐसे ऐसे अच्छा ओके ओके ला 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 गॉट इट ला ला ठीक है बड़ा अच्छा करती हैं आप तो उड़ जाएंगी टेक ऑफ हो जाएगा आपका बैठ जाऊंगी हां जी आप अच्छे वेरी नाइस डांस कर रही हैं देखिए सुमन आप हमारा टाइम वेस्ट कर रही हैं दबा आ जाइए यहां से मैं टाइम वेस्ट कर बाहर में जा ही नहीं सकती ना क्यों बाहर तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है मानसून चल रहा है बाहर आपको पता है सॉरी मैं डर गई थी मेरे को ऐसी मन इंटेंशन नहीं थी कि मैं आपसे चिपक जाऊं सच कह रहे मैं ये तो बादल की आवाज थी मैं डर गई वरना मैं और किसी चीज से नहीं डरती मैं बंद मत करने चल चलते रहने चलते रहने मजा आ रहा है
यार माँ कसम बेबी को है बेस पसंद। ओ यार आपको मैं एक चीज दिखाना चाहती हूँ। दिखा दिखा आप इसका ये दिखाने को रह गया कुछ। आप उधर करिए आईज अपनी प्लीज। एक बार सलमान भाई और अनुष्का के लिए जोरदार तालियां। सलमान भाई अनुष्का बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए, और सुल्तान को ऑलरेडी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, सो ढेर सारी शुभकामनाएं हमेशा के लिए आपके आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स के लिए। तो आप लोग भी अपने घरों में ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखें और देखते रहें कपिल शर्मा शो।